हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में आज हम बताएंगे कितना उम्र होने से कितना ब्लड प्रेशर सही होता है और कितना उम्र होने से कितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्त कि हम किसी गांव का ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाएं तो सभी बता देते हैं 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर ज़्यादा हो तो बोल देते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, दवा देते हैं। पर ऐसा नहीं है, हम आज देखेंगे उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर। देखिए, 42-44 ईयर्स हो तो 112/79 कम है, कम ब्लड प्रेशर है। अगर 125/83 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 40-40 ईयर्स के बीच वाला लोग के लिए, 125/83 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 137/87 मैक्सिमम ज़्यादा हो जाता है, 45-49 ईयर्स के लिए 115/80 कम कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, 127/84 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 45-49 ईयर्स के लिए 127/84 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 139/88 मैक्सिमम ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर। अगर कहें 50/54 ईयर्स के लिए 116/81 मैक्सिमम कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 129/85 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 142/89 मैक्सिमम ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर। हम देखते हैं 55-59 ईयर्स, 55-59 ईयर्स हो एज हो तो 118/82 कम हो जाता है ब्लड प्रेशर। अगर इतना निकले तो कम हो जाएगा, 131/86 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 144/90 मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर। 60-64 ईयर्स के लिए, अगर 60 साल से 64 साल के बीच अगर उम्र हो तो 121/83 निकलने से कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर, 134/87 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 147/91 मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर। हम लोग कई बार क्या करते हैं, डॉक्टर बता देते हैं अगर 60 साल से ज़्यादा उम्र हो, 60-64 ईयर्स के लिए हम लोग किसी को अगर लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में या घर पे किसी का है 60-64 ईयर्स का, उनको हम अगर डॉक्टर के पास लेके जाएं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, अरे देखिए यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है, ये मैक्सिमम कम होता है, ये एज है और ये मैक्सिमम ज़्यादा होता है, ये मिनिमम कम है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उम्र के हिसाब से, उम्र लिखा हुआ है। 62-64 ईयर्स हो तो 134/87 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। हमें डॉक्टर क्या बोलते हैं, 134/87 हो गया तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया है, पर ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग हमेशा क्या होता है, हम लोग पढ़ाई करते हैं 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर डॉक्टर ने बता दिया 134/87 हो गया तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, 120/80 ही होता है, तो 134/87 हो गया तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया। पर नहीं, उम्र के हिसाब से देखना है 60-64 अगर उम्र है तो 134/87 नॉर्मल ही ब्लड प्रेशर होता है। कभी भी डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं, ये अगर किसी को पता नहीं है तो सोचते हैं कि नहीं, 120/80 ही नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो अगर 134/87 हम लोग क्या घबरा जाते हैं, ज़्यादा हो जाता है, पर नहीं, ये नॉर्मल है। अगर 121/83 निकला तो ये कम हो जाएगा,
ब्लड प्रेशर, हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये सही होगा, थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, ये नॉर्मल होगा, पर ये नॉर्मल नहीं है, ये ज्यादा है। 60 to 64 अगर है तो 121/83 है तो मिनिमम कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ये सही ब्लड प्रेशर है। अगर 147/91 हुआ तो ज्यादा हो जाएगा ब्लड प्रेशर। थैंक यू, आज हम इतने है टॉपिक इतने लेकर आए थे। थैंक यू सो मच।